घर की सफाई भी मेरे ख्याल से आप ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनसे बर्तन धुलवाती हूँ, कपड़े धुलवाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। निम्रा आप कहाँ रहती हैं? मैं तो अकील के दिल में रहती हूँ। मैं खिदमत करता हूँ और फिर दिखाता इसलिए हूँ कि लोग भी सीखें और उससे खुद भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ये मेरी जन्नत की हुरों की सरदार लगती है। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं निम्रा और अकील के घर पे। निम्रा जो है वो अकील के दिल में रहती हैं और अकील जो है वो निम्रा को शहजादी बना के रखते हैं, खिदमत करते हैं। साथ में मैं निम्रा से तवीज़ भी लेने आई हूँ कि निम्रा क्या घोल के पिलाती हैं आप अकील को? कोई भी तवीज़ नहीं। फिर क्या किया हुआ है जो इतनी खिदमत करते हैं? ये खुद भी अच्छा होना पड़ता है इंसान को। खुद अच्छी हैं तो आप अच्छे मिले हैं उनको। एक्चुअली कुरान पाक में आता है तुम्हें वैसा ही हमसफर मिलेगा जैसे तुम खुद हो, तो ऐसे मुझे मिले ही अच्छी हैं तो इसलिए मैं अच्छा हूँ। अच्छा, शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में इतना प्यार होता है? हो जाता है, शादी के बाद ही प्यार होता है। शादी से पहले तो बस टाइम पास होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, किस तरह से रिश्ता हुआ था, शादी कैसे हुई? खाला के घर मेरी शादी हुई है, ये मेरी खाला के बेटे हैं, तो खाला रिश्ता लेके आई थी। एक तो रिश्तेदार है, ऊपर से अरेंज मैरिज है, और फिर भी इतना प्यार, कैसे इतनी खिदमत कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस निम्रा ने जादू किया हुआ लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हो जाती है खिदमत। नहीं, ये जो सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुई भी है कि निम्रा जो है वो तवीज खोल के पिलाती है, लड़कियाँ जो है बड़ी परेशान है, उनको अपने हस्बैंड्स के लिए चाहिए। वो भी ऐसी कोई चीज खोल के अपने दिल को तसल्ली दे देंगे, कुछ पिलाया तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। क्या फरमाइशें करती हैं? ये फरमाइशें तो बहुत ज्यादा करती हैं, तो इनकी पूरी भी हो जाती हैं। लाइक कल हमने फैसलाबाद जाना था, तो रास्ते में कहती हैं कि मैंने शॉपिंग करनी है। अच्छा। तो बस विंडो शॉपिंग करनी है, चीजों का रेट शेट पता करना है। आपको पता है आजकल ब्रांड्स कितने महंगे हुए हैं, तो लेम भाई फिर वहाँ विंडो शॉपिंग करते करते ढेर सारे कपड़े उठा लिए, तो ऐसी फरमाइशें होती हैं छोटी छोटी। नहीं तो कपड़ों की फरमाइशें रह जाती हैं, अकील भाई तो पहले ही लेके देते हैं, रोज रोज आपके लिए एक नया जोड़ा लेके आ रहे होते हैं। वो मुझे पता है ना कि मेरी पूरी हो जानी है, इसलिए मैं फायदा उठाती हूँ। ओके, निम्रा की कौन सी ऐसी तीन बातें हैं जो बड़ी अच्छी लगती हैं? निम्रा की सभी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है, दूसरा ये बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हैं, और तीसरा क्या है निम्रा, मतलब गुस्सा बहुत अच्छा करती है। बहुत अच्छा करती है। वो इनका अच्छा होता है। आपको क्या तीन अच्छी आदतें लगती हैं? सारी आदतें अच्छी लगती हैं, कुछ भी बुरा नहीं। कभी सोचा ही नहीं बैठ के कौन सी तीन आदतें सोचा ही नहीं। इनसे पूछ रही थी कि एक बार एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछ रहे थे कि इनकी कोई बुरी आदत बताएं, तो मैं इनसे कह रही थी मुझे कान में बता दे अपनी बुरी आदत। मतलब कोई बुरी आदत नहीं पता। मर्द हजरात जो है ना, वो बड़ा ट्रॉल कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि ऐसा मर्द नहीं होता, इतनी खिदमत कोई बीवी की नहीं करता। एक्चुअली मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा असल में होता है। अब जो ट्रोल कर रहे हैं वो खुद खिदमत नहीं कर सकते, वो बस ट्रोल कर सकते हैं, तो उनके लिए यही पैगाम है कि भाई आप लोग करते रहो और मैंने खिदमत करते रहना। अच्छा, ऐसा शोहर जो है ना वो हर औरत चाहती है, तो निम्रा कोई इजाजत देने का सोचा हुआ है चार शादियों की? वैसे भी इस्लाम ने तो दी हुई है। कैसे? कभी भी नहीं, ये शादी करेंगे तो फिर दूसरों को ही रखेंगे, मैं तो नहीं रहूंगी। ये तो किसी लड़की का नाम बर्दाश्त नहीं करती। अगर फर्ज करें किसी लड़की की मुझे कॉल आ जाए ना, तो ये दो दिन मुझसे बात ही नहीं करती, कौन थी वो, क्यों उसने की। तो और वैसे मैंने भी नहीं सोचा हुआ कि मैंने कभी किसी के साथ शादी करनी है, बस एक काफी है। सारा दिन किस तरह से गुजरता है? ये खिदमत करने के अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ, बस सो जाते हैं, उठ जाते हैं, एक साथ ही वॉक पे जाते हैं, तो इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। क्या क्या काम करवाती हूँ निम्रा? मैं इनसे बर्तन धुलवाती हूँ, कपड़े धुलवाती हूँ, और खाना भी बनवा लेती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभार होता है कि मैं खुद काम कर देता हूँ, लाइक हेल्प करवाता हूँ, तो ये खुद भी करवाती हैं। असल में हमारे ना कंटेंट का जो मेन मकसद था वो ये था कि लोग ना इसे सीखें। एक तो मैं खिदमत करता हूँ और फिर दिखाता इसलिए हूँ कि लोग भी सीखें और उससे खुद भी करें। क्या कहना चाहेंगी कि
मतलब ये कि कंटेंट लोगों को ये दिखाना था कि हस्बैंड जो है वो हेल्प कर सकता है. अब सारे ये कहते हैं ये तो हर टाइम लेट ही रहती है, ये तो कुछ भी नहीं करती है, ऐसे नहीं. लेकिन ऐसे भी नहीं होता. अब जो दिखाना चाह रहे हैं और जो दूसरी चीज़ है वो तो अब सारा कुछ नहीं दिखाना. मतलब आपके कहने का मतलब है जो सोशल मीडिया पे लाइफ दिखाई जा रही है वैसी रियल लाइफ नहीं है. वैसे ही है रियल में. लेकिन ना मतलब ये है कि लोग कहते हैं ये कुछ भी नहीं करती, ऐसा भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है. नहीं नहीं, हमने आपके व्लॉग्स देखे हैं, आप भी बड़े खाने बना रही होती हैं. हाँ, लेकिन वही मुझे उठा उठा के जूते मार रहे होते हैं, ये कुछ भी नहीं करती, ये तो बहुत है, ये तो पता नहीं क्या क्या अजीब सी बातें करते हैं. अच्छा, लोग जो है ना वो बड़ा ट्रोल कर रहे हैं, तो किस किस किस्म के कमेंट्स का सामना करना पड़ा है और बहुत मुश्किल लगता है? लाइक जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं ना, एक तो रणमरीत आता है और सेकंड वन क्या तुम्हारी माँ घर नहीं है, क्या तुम्हारे अदर रिलेटिव्स नहीं है. तो देखें, ये जो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं ना, जो कंटेंट बना रहे होते हैं, इट्स अप टू मी. अब मेरे ऊपर है मैं क्या दिखा रहा हूँ. अगर मैं निम्रा के साथ कुछ दिखा रहा हूँ तो इट्स मीन मैं इनके साथ कंफर्टेबल हूँ. अगर मैं अपनी मामा के साथ कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है वो मेरे साथ इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है. और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं उनकी खिदमत नहीं करता हूँ. आप बाद में पूछ भी लीजिएगा ऑफ स्क्रीन की मैं खिदमत करता हूँ या नहीं करता हूँ. ठीक हो गया. अच्छा, जब आपने व्लॉगिंग स्टार्ट की इस तरह से निम्रा की खिदमत की, तो रिश्तेदारों ने तो बड़े मुँह बनाए. तो वो ये चीज़ कॉमन है पाकिस्तान में. और कुछ होना हो, रिश्तेदार सबसे पहले बाहर आते हैं अबू बनने के लिए. ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो. तो हमने फेस किया ये ट्रोलिंग वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया. जिसने साथ रहना है वो रहे, हम वेलकम करते हैं. जिसने दूर जाना है वो जाए, हम किसी को रोकते नहीं. घर वालों का क्या रिएक्शन था? वो अप्रिशिएट करते हैं. स्पेशली जो मेरे पापा जी हैं वो कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग इससे सीख रहे हैं. उनको भी कभी कभी लोग ना पूछते हैं कि सच में तुम्हारा बेटा ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, तो वो बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है. निम्रा को सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? निम्रा को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं इनकी सबसे ज़्यादा खिदमत कर रहा होता हूँ. निम्रा खिदमत करने पर भी गुस्सा आता है? हाँ, मैं कहती हूँ रहना था बस. हर चीज़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना. बिल्कुल ऐसे ही तो काम किया करें फिर. हाँ, खिदमत के अलावा इनको गुस्सा आता है. लाइक अभी एक ने शूट की ऑफर हुई थी, किसी लड़की के साथ करना था, तो इन्होंने कहा था या तो फिर उस लड़की को रख लो या मुझे रख लो. लाइक एक सिर्फ सिंपल शूट था. हाथ पे तो लगाना पड़ ही जाता, हाथ पकड़ना पड़ जाता था. बिल्कुल ठीक है. शूट का क्या फायदा? सुबह क्या रूटीन है आपकी, कैसे उठते हैं? घर की सफाई भी मेरे ख्याल से आप ही करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. अब रमज़ान चल रहा है ना, तो सहरी के टाइम रोज़ा रखते हैं हम. तो रोज़ा रखने के बाद सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के 10-11 बजे थोड़े से काम शाम होते हैं वो कर लेते हैं. उसके बाद फिर इनकी खिदमत में लग जाते हैं. इनको फिर वर्कशॉप पे लेके जाना होता है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है. पहले मैं टीचिंग करता था, लेकिन अब मैं सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो इसलिए सारे दिन घर रहता हूँ इनके साथ. तो टीचिंग क्यों छोड़ी? टीचिंग आप कह लें कि जब आप स्टार बन रहे होते हैं ना, लोगों के मुताबिक कहते हैं कि आपकी वीडियोस वायरल होती हैं, तो अब आप टीचिंग ना करें, हम घर बैठे हैं. इस बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, शादी हुई, अरेंज मैरिज थी, तो शादी के बाद कहाँ पे लेके गए थे अकेले? फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे सवात कलाम गए थे. उसके बाद अभी रिसेंट हम लोग फिर कश्मीर गए थे, उसके बाद फिर शोहरान गए थे. निम्रा को घूमने फिरने का बहुत शौक है. हाँ, इन्हें शौक था घूमने फिरने का, तो मुझे इनसे भी ज़्यादा शौक है. तो अब मैं लेके जाता हूँ ना, जब इनको कहता हूँ वहाँ ऊपर चलते हैं, वो करते हैं, हाइकिंग करते हैं, तब ये रो रही होती है कि लाइना मैंने आपके साथ नहीं आना. आप तो इतना ज़्यादा चलाते हैं, लेकिन वहाँ पे मज़ा आता है. निम्रा आप कहाँ रहती हैं? मैं तो अकेले के दिल में रहती हूँ. ये बड़े मजे की लाइन है आपकी, और इतने मासूम तरीके से बोलती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं. आपको भी इतनी प्यारी लगती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो ये मेरी जन्नत की हुरों की सरदार लगती हैं. हाय. अच्छा, बचपन में क्योंकि रिलेटिव्स हैं, तो बचपन में आप भी तो नहीं पहले भाई बुलाती थी और फिर शादी होगी? बुलाती थी, भाई बोलती थी. हमारी तो लड़ाई बहुत ज्यादा होती थी. अच्छा, लड़ाई होती थी किस बात पे होती थी? वैसे ये इनको ना शौक था ये चेन्स पहनने का, और ब्रेसलेट इतने अजीब अजीब से, रिंग्स पड़ी अजीब अजीब से, तो मैं तो इनको जंगली बोलती थी. लाइक ये उर्दू स्पीकर थे ना, हम पंजाबी स्पीकर थे. अच्छा. तो ये जंगली नहीं जांगली कहते थे, लाइक वो जो पंजाबियों को कहा जाता है. तो फिर ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ भी होनी, इसने मुझे मारना, मैंने इसे मारना, सही वाली फाइटिंग होती थी.
कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था कि कल को हमारी शादी होगी। और जब इनके घर रिश्ता भेजा तो इसने मुझे कॉल किया और पूछा, अकील आपने रिश्ता इसलिए भेजा है कि आप अब मुझसे बदला लेंगे बचपन की दुश्मनी का? फिर आपका क्या जवाब था? तो मैंने कहा नहीं, वो जुल्म जो थे बचपन में मैं भूल गया हूँ, अब प्यार से रखूंगा, एक दफा जरा आओ तो सही, मैंने इनको डराया था तो ये डर भी गई थी। अच्छा निम्रा, वो कौन से तवीज है जो घोल के पिलाए हुए हैं? मैं लेने आई हूँ। वो मैं आपको बाद में दूंगी, किसी को बताना नहीं। ठीक है। अच्छा, व्लॉगिंग में आने का किस तरह सोचा और किस तरह सोचा कि ये कंटेंट बनाया जाए? व्लॉगिंग में जब मैं आया था ना तो मिनी व्लॉग्स बनाता था, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी छोटे छोटे क्लिप्स ऐड करना शुरू किए। तो लाइक निम्रा है ना, व्लॉगर को देखती थी, प्रिया जो वैन में रहती है उनको देखती थी, तो इसे व्लॉगिंग का ना बहुत शौक था। मैं तो पहले छोटे क्लिप्स बनाता था, एज सच व्लॉग्स नहीं बनाता था, तो इनसे मैं इंस्पायर हुआ, फिर मैंने स्टार्ट की, फिर मुझे देखे इन्होंने स्टार्ट की तो फिर हम बनाना शुरू हो गए। उन हेटर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हेटर्स के लिए हम कहेंगे कि उन्हें जो फ्रस्ट्रेशन है, उन्हें जो मसले हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके हक में बेहतर करें, वो बेचारे अपनी जो मजबूरियाँ हैं, जो उनकी हाल दुहाई हैं, वो कहीं और जाके निकाल। बीवियों के हाथों पहले तंग थे, आपने और तंग कर दिए। ऐसे ही है, उन्हें ये मतलब हो रहा है ना कि वो तो तंग तो वो पहले ही थे, हो सकता है वो घर से जूते भी खाते हों, वो सारी फ्रस्ट्रेशन यहाँ कॉमेंट्स में आके निकालते हैं। अल्लाह आप दोनों को जो है वो इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और आपकी जो जोड़ी है वो सलामत रखे। इसी के साथ अपने मेज़बान फैकराना को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।